कंचन गुप्ता जी इंदौर से पूछती हैं, गुरुदेव मैं यूट्यूब पर आपको सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आपको सदगुरु के रूप में धारण भी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे परिवार के लोग किसी अन्य गुरु को धारण किए हुए हैं, वह कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, ऐसा कहकर डराते हैं, इस स्थिति में क्या करूं? पहली बात तो गुरु बनाए जाने का मेरा कोई अपना विशेष आग्रह नहीं है, इसके बावजूद मैं आपसे इस सत्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आप धर्म का मर्म समझ जाएं, पहले जान लें धर्म होता क्या है, और धर्म का मर्म आपकी समझ में आ जाए तो गुरु के नाम पर जो तरह तरह की बहुत सारी मान्यताएं हमने गढ़ रखी है, वैसा फिजूल की मान्यताएं गायब हो जाएंगी। हमारी पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं अनंत काल से, हम अंधों की तरह उनका पालन किए जाते हैं, होश पूर्वक कभी सोचते ही नहीं कि धर्म क्या है, गुरु क्या है, गुरु का उपयोग क्या है, शिष्य क्या है। अरे जहां से आपको ज्ञान मिल जाए वो गुरु, जहां से परम ज्ञान मिल जाए वो सदगुरु। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर से अगर आप की बीमारी ठीक नहीं होती तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाएंगे, या कहेंगे कि नहीं हमारे परंपरा है कि जब एक को मान लिया डॉक्टर तो मान लिया, अब चाहे वो मरो चाहे जियो वहीं बंधे रहो। अगर ऐसी सूझबूझ है तो भगवान भी आपका भला नहीं कर सकता, अगर यही आपकी समझ है तो कोई परमात्मा आपको नहीं बचा सकता। अरे डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पा रहा है, बीमारी आपकी नहीं जा रही, बीमारी और बढ़ रही है, तो जल्दी जल्दी खोजो, दूसरा डॉक्टर खोजो, तीसरा खोजो, चौथा खोजो, जब तक असली वाला डॉक्टर ना मिल जाए तब तक डॉक्टर खोजते रहो, और जब तक असली वाला गुरु ना मिल जाए तब तक गुरु खोजते रहो। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू।